नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल यूथ विन इंडिया। और आप जैसा कि मेरे पीछे देख रहे हैं कि आज हम जो लेके आए हैं वो है मुर्गी पालन का उद्योग आखिरकार कानपुर में कैसे होता है, और आखिरकार ये जो मुर्गी पालन का जो उद्योग हो रहा है यहाँ पे, मुर्गियाँ जो पाली जा रही हैं तो इसको मतलब किस तरीके से सुरक्षित रखना, मतलब गर्मी का सीज़न उसको किस प्रकार से ठंडक पहुँचाना और बच्चे किस तरीके से सुरक्षित रहें, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ज़िंदा रहें, तो कैसे यहाँ पर किया जाता है, आइए उन सब चीज़ों के बारे में हम आपको आज यहाँ पर बताते हैं कानपुर नगर से, वो भी रमईपुर के पास से। दोस्तों, मुर्गी पालन व्यवसाय के लिए सबसे जरूरी और सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट एक जगह का चयन करने में ही लगता है। मुर्गी पालन बिना किसी स्थायी जगह के नहीं हो सकता, इसलिए सबसे पहले आपको एक जगह का इंतजाम करना होता है। कितनी बड़ी जगह होनी चाहिए यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितनी मुर्गी पालन करना चाहते हैं। जगह का साफ सुथरा होना बहुत ही आवश्यक है ताकि मुर्गी को बीमारी से बचाया जा सके। आप किसी ग्रामीण इलाके की तरफ पोल्ट्री फार्म शुरू कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ कम पैसों में जगह भी मिल जाती है और काम करने के लिए लोग भी, अपना खुद का फार्म होना ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि किराए के फार्म में आपको कभी भी खाली करने के लिए बोला जा सकता है। इस बात को भी सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि फार्म में पानी की कोई समस्या ना हो। इसके साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि फार्म के आसपास जंगली जानवर ना हो। अगर फार्म के आसपास परिवहन की सुविधा हो और मार्केट की ज़्यादा दूर ना हो तो यह व्यवसाय आपके लिए काफ़ी उत्तम रहेगा। दोस्तों, कि जैसा कि कहते हैं कि अंडा आया या पहले मुर्गी, मतलब बहुत ही प्रचलन है इन सब चीज़ों का, बहुत ही क्वेश्चन ऐसे लोगों के मन में आते हैं कि अंडा आया या मुर्गी, लेकिन आज तक इसका कोई भी अर्थ नहीं निकाल पाया है। लेकिन यहाँ पर जब हमारे पास जैसे लोगों के क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर थोड़ा ये हमें दिखाई कि मुर्गी पालन आखिरकार होता कैसे है, तो आज उनके लिए खास वीडियो ये रहेगा कि आखिरकार मुर्गी पालन होता कैसे है। दोस्तों, जिस प्रकार के मुर्गी पालन करना आसान हम लोग समझते हैं, लेकिन वहीं पर मुर्गी की नस्ल का खोज निकालना भी बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि मुर्गी पालन के लिए आपको उच्च गुणवत्ता की मुर्गी नस्ल की भी जरूरत पड़ेगी। मुर्गी नस्ल काफ़ी प्रकार के होते हैं और इनका चयन प्रोडक्शन के साथ इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप किस काम के लिए मुर्गी पालन कर रहे हो, इसलिए आपने ज़रूरत के हिसाब से मुर्गी नस्ल का चुनाव करें। अगर कोई अंडे के लिए मुर्गी पालन करना चाहता है तो उसके लिए लेयर नस्ल बेहतर होगा। अगर कोई मांस के लिए मुर्गी पालन करना चाहता है तो ब्रॉयलर नस्ल का चुनाव करें। इंडिया में दो तरीके के मुर्गी के नस्ल सबसे अधिक पसंद किए जाते हैं, चलिए इनके बारे में भी कुछ जानते हैं। नंबर एक, लायर ब्रीड। अगर कोई अंडे के व्यवसाय के लिए मुर्गी पालन करना चाहता है तो लेयर नस्ल के तरफ जा सकते हैं। यह मुर्गी 5 से 6 महीने पूरे होने के बाद अंडे देना शुरू कर देती है और एक नस्ल में 300 अंडे तक दे सकती है। इस मुर्गी को मांस के लिए भी उपयोग में लाया जा सकता है। नंबर सेकेंड, ब्रॉयलर ब्रीड। अगर आप मांस के लिए मुर्गी पालन करना चाहते हैं तो ब्रॉयलर मुर्गी काफ़ी अच्छा विचार होगा। इस मुर्गी का मांस कहते हैं कि काफ़ी स्वादिष्ट होता है और मुलायम होता है, जिस वजह से इसे काफ़ी पसंद किया जाता है। लेकिन उन उद्योगों में से आज हम जो आपके लिए खास लेके आए हैं वह मुर्गी पालन, जिस तरीके से मेरे आप पीछे देख सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं छोटे छोटे यहाँ चूजे के, मतलब यहाँ पे मुर्गी के बच्चे हैं जो कि अंडे से निकलते हैं जैसे, और तत्कालीन यहाँ पर बच्चों को ले आया जाता है और यहीं पर उनको पालन पोषण किया जाता है। और जब ये बच्चे अपनी अवस्था में लगभग 15 से 20 दिन कह सकते हो, या हाइएस्ट आप 30 से 35 दिन कह सकते हो, इसी दौरान यह बच्चे अपने आप में एक अवस्था में आ जाते हैं और यहीं पर व्यापारी लोग इनको खरीदने के लिए आते हैं, जो कि दूर दूर तक शहर गांव देहात हर जगह बिकने के लिए जाते हैं। लेकिन इसके बीच में जो भी अंतराल होता है अंडे से बच्चे का निकलना और यहाँ पे बड़ा होना, इसके बीच में जो अंतर आता है उसके बीच में यहाँ पर उनके बहुत ही सेफ्टी के पॉइंट किए जाते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये पहली बात तो आपको मैं दिखा दूँ, ये खाली बाल्टी है। इस खाली बाल्टी के माध्यम से यहाँ पर इनको मतलब दाना भी दिया जाता है। जो दाने होते हैं वह बहुत ही स्पेशली दाने होते हैं, 50 किलो की लगभग बोरी आती है, उसको मार्केट से आप खरीद के यह मुर्गी पालन में दिया जा सकता है। लेकिन आप जैसा कि मेरे पीछे ये भी देख रहे हैं कि इसमें पानी, जो लाल लाल टैंक जैसे टंगा हुआ आप देख रहे हो, इसमें पानी की व्यवस्था की जाती है जो कि ऊपर से ही पाइप के द्वारा आता है और यहीं पर चूजे पानी भी पीते हैं और यहीं पर खाने पीने के दाने भी पड़े रहते हैं, जो कि यहाँ पर उनके खाने पीने से लेके पूरी व्यवस्था की जाती है। लेकिन हमेशा जीवन यापन के लिए सिर्फ खाना पीना ही जरूरी नहीं होता है, उसके लिए वायु का भी उतना ही जरूरी होता है जीवन रहने के लिए। तो यहाँ पर गर्मी से बचाव के लिए इन मुर्गियों के लिए यहाँ पर स्पेशली
पंखे भी लगाए जाते हैं, साथ में अगर पंखे की व्यवस्था अगर कोई दिक्कत होती है, लाइट नहीं आ रही है, तो यहाँ पर जो अगल बगल से जो तिरपाल लटकाई जाती है, तिरपाल बोले तो बोरियाँ जो लटकाई जाती हैं, उस पर पानी का छिड़काव किया जाता है और उन छिड़काव के माध्यम से जो बाहरी हवा आती है वह इनको ठंडक पहुँचाती हैं, जो कि इनको किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो सके। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस प्रकार से यह मुर्गी चूजी पालन हो रहे हैं यहाँ पर। तो ये बिजनेस एक तरीके से आप कह सकते हो कि प्रॉफिटेबल बिजनेस है और यहाँ पर लोग अब आज के समय में बहुत से लोग इसको पालन को कर रहे हैं और यह पालन जो हो रहा है यह सिर्फ अपने भारत देश में ही नहीं, देश विदेश पाकिस्तान अफगानिस्तान नेपाल भूटान अन्य राज्यों में मतलब अन्य देशों में भी यहाँ ऐसे बिजनेस हो रहे हैं, जो कि यह कानपुर नगर में बहुत ही तेज़ी के साथ फैलने वाला बिजनेस हो चुका है। दोस्तों जिस प्रकार के मुर्गी पालन में हमको मुर्गियों का भी बहुत विशेष ध्यान रखना पड़ता है, अच्छे ग्रोथ और प्रोडक्शन के लिए मुर्गियों का ध्यान रखना काफ़ी ज़रूरी है। पोल्ट्री फार्म में साफ हवा का आना जाना होना चाहिए ताकि घुटन की समस्या ना हो। इसी तरह से इस बात का भी ध्यान रखें कि बारिश का पानी फार्म में जमा ना हो, मुर्गियों को साफ पानी के साथ पौष्टिक आहार ही दें ताकि उनका विकास में कोई समस्या ना हो। बीमारियों से दूर रखने के लिए ज़रूरी टीकाकरण अवश्य करवाएं। अगर किसी मुर्गी में इंफेक्शन पाया गया हो तो उसे बाकी मुर्गियों से भी अलग कर देना चाहिए। दोस्तों जैसा कि यह जो मुर्गी पालन है यह आपके खान पीन मतलब बोले तो उनको जो मुर्गी जो चूजे होते हैं उनके खिलाने पिलाने पे भी निर्भर करता है कि आखिर आप उनको दाना किस प्रकार दे रहे हैं। अगर उनका दाना अच्छे तरीके से आप देते हो और एक लंबा समय हो जाता है, लगभग एक महीने के ऊपर हो जाता है समय, तो यह चूजे लगभग एक से लेकर 1.5 किलो 2 किलो तक के भी ये चूजे हो जाते हैं, जो कि मार्केट में बहुत ही तेज़ी के साथ बिकते हैं ये चूजे। लेकिन इनके लिए ठंडक बहुत ही अति आवश्यक है गर्मी के सीज़न को देखते हुए, क्योंकि गर्मी के सीजन में इनको ठंडक उतना ही जरूरी है जीवन के लिए जितना इनके शरीर के लिए प्राणों की जरूरत है। तो आप देख सकते हैं इसमें चूजों को किस प्रकार पानी पी रहे हैं और किस प्रकार ये अपना जीवन कायाकल्प कर रहे हैं यहाँ पे। मुर्गी के आहार की बात करें तो मुर्गी ज़्यादा तभी अंडा देगी जब उसे अच्छा आहार मिलेगा। इसी प्रकार से अगर कोई मांस के लिए मुर्गी पालन कर रहे हैं तो उन्हें भी मुर्गी के आहार का ध्यान रखना चाहिए, तभी मुर्गी का स्वास्थ्य बेहतर होगा और वजन भी बढ़ेगा। एक मुर्गी को बीमारी से मुक्त रखने के लिए जितना उनके वातावरण का ख्याल रखना पड़ता है उतना ही ख्याल हमें उनके आहार का भी रखना होता है। मुर्गी के लिए मार्केट में प्री स्टार्टर, स्टार्टर और फिनिशर मिलता है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट्स बॉक्स में हमें ज़रूर लिखें और आपको क्या नॉलेज चाहिए, क्या जानकारी चाहिए आखिरकार इस उद्योग को लेके, तो मैं आपको ज़रूर उस पर एक नया वीडियो बना के दूंगा। अगर चैनल अच्छा लगा और वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, क्योंकि हम लाते हैं कानपुर के मुद्दों की बात। नमस्कार। अभिनेता से लेके नेता, कानपुर की जनता में कानपुर की क्या है राय, क्या है खान पान यहाँ का फेमस, क्या है यहाँ पर घूमने की जगह, हम यहाँ पर आपको दिखाते हैं कानपुर के बारे में पूरी चीज खास खास। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें, अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपकी दुकान है या आपकी कंपनी है या आप किसी चीज का भी यहाँ पर प्रमोशन कराना चाहते हैं, वीडियो बनवाना चाहते हैं, तो इस चैनल पर संपर्क करें। दोस्तों यू एंड विथ यूथ इंडिया चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें और बहुत सारा प्यार दें। बहुत बहुत धन्यवाद।